गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। Too late. कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? शिवल्ली हो जाएंगी गायब। क्या प्यार नहीं होगा शिवल्ली के लिए काफी? कैसे लव बर्ड्स में आएगी दरार? क्यों शिवल्ली पर जाएगा ऑडियंस का शक? तो पुष्पा पार्ट वन के जबरदस्त धमाके के बाद फैंस हो गए हैं लालची लाइक ऑलवेज, और वो डिमांड कर रहे हैं पार्ट टू की। और प्यारे प्यारे फैंस की यही डिमांड पूरी करने पुष्पा के मेकर्स आ गए हैं एक बार फिर एक बड़े बॉम्ब के साथ, और वो है पुष्पा टू का बॉम्ब। अरे हाँ हाँ, मतलब पुष्पा टू बहुत जल्द हमें फिर से अपनी उसी राउडी स्टाइल में थिएटर्स में धूम मचाते दिखने वाली है। लेकिन लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी प्यारी शिवल्ली हो जाएंगी गायब? अरे मतलब शिवल्ली का कैरेक्टर हमें मूवी में दिखेगा तो सही, पर एक बड़े सस्पेंस के बाद। असल में होगा यूं कि मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें ऐसे दिखाया जाएगा कि सब नॉर्मल है, कोई भी तूफान किसी के भी जिंदगी में नहीं होगा। पर जब पुष्पा श्रीवल्ली से मिलने जाएंगे उनके घर, तो उन्हें वहां न पाकर वो थोड़े परेशान होंगे। उस दिन वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठेंगे तो उनके पास टेक्स्ट मैसेज में एक पिक्चर आएगा जो श्रीवल्ली के हाथ का होगा, जो बंधे हुए होगा। ये देख कर पुष्पा का दिमाग खराब हो जाता है और उनका सीधा शक इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत पर जाता है, जिन्हें हम सब ने ऑलरेडी पार्ट वन में देखा ही है। अब ये दिमाग में आने के बाद पुष्पा सीधा इंस्पेक्टर शेखावत पर हमला बोल देंगे, लेकिन रास्ते में जाते जाते उन्हें एक और मैसेज आएगा जिसमें एक जगह का एड्रेस दिया होगा। पुष्पा वो एड्रेस देखकर और गुस्सा हो जाएगा और गाड़ी उस रास्ते की ओर मोड़ लेगा। लेकिन हमें दूसरे ही सीन में दिखाया जाएगा कि ये सारी पिक्चर शिवल्ली ही पुष्पा को भेज रही होंगी, और उन्होंने ही पुष्पा को उस अनजान रास्ते पर और एड्रेस पर बुलाया होगा। तभी उनके हाथ से कोई फोन छीनेगा और एक बड़ा बैग पकड़ा देगा। इस सीन में हमें दिखेगा कि मूवी में होगी धनुष की एंट्री। इन्हें एक विलन के कैरेक्टर में देखा जाएगा जिनका नाम होगा वैजू। जैसे ही वैजू शिवल्ली से फोन छीनेंगे, सीन वही कट होगा और दिखाया जाएगा कि पुष्पा अपने डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। अब वो ये जब देखेंगे तो क्या होगा, कैसे श्रीवल्ली करेंगी खुद को एक्सप्लेन और वगैरह वगैरह, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन तब तक अगर आपके मन में आ रहे हैं कुछ थॉट्स तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।